हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MDSN लर्निंग। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीजगणित। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने अंगणित का अध्ययन किया, अंगणित पढ़ा, 1A से 1D तक हमारा अंगणित कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो कक्षा 8 में जो बीजगणित है वो 4A से स्टार्ट है। तो साथ साथ अंगणित के हम बीजगणित भी पढ़ते चलते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा कवर होता रहे दोनों। तो इकाई 4 है, उसमें सबसे पहले है सर्वसमिकाएँ, जिसमें से कुछ सर्वसमिकाएँ आप छोटी कक्षाओं में, मतलब 7th में 6th में 1-2 पढ़े होंगे। तो यहाँ पे मैं सारी सर्वसमिकाएँ लिख दी हूँ, अर्थात जिसे आप सूत्र बोलते हैं, जिसकी मदद से आप सॉल्व करते हैं प्रश्नों को, ठीक है। तो इनको आप अपने नोट्स में, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यही काम आने वाला, इन्हीं की मदद से ही आप अपना 4A कर सकेंगे ईजिली, ठीक है। तो ये जब नोट डाउन आप करेंगे तो ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस में गलती नहीं करेंगे, और जो पावर लगी है, घात लगी है, ठीक है, उसे गलत नहीं लिखेंगे। जैसे देख लीजिए, जैसे पहला है a+b का होल क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है? घात 3 होता है, ठीक है। तो घात 3 इज इक्वल बराबर a³+b³+3a²b+3ab², ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे। ऐसे ही दूसरा वाला भी है, ये माइनस का है, सब में माइनस, लेकिन यहाँ पे प्लस है, बाकी सेम वही है जो पहला वाला है, ठीक। ऐसे ही तीसरा है a+b+c² a²+b²+c²+2ab+2bc+2ca, ठीक है। तो ये हो गया। फिर है चौथा a³+b³। ध्यान दीजिएगा, चौथा और पहला अलग अलग है। यहाँ पे a+b³ है, मतलब पूरे के बाहर लगा है घात 3। यहाँ पे देखिए अलग अलग लगा है घात 3, ठीक है। दोनों में अंतर है, a³+b³, a+b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे a²-ab+b², ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ 3 नहीं है और यहाँ पे माइनस लगा है, 2 नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। सेम ऐसे ही पांचवा है a³-b³। ये जो है 6, 7, 8, ये तीनों आप पढ़े भी हैं, a²-b² एक कोष्टक में a-b, दूसरे कोष्टक में a+b, ठीक। फिर ऐसे ही सातवां a+b² और आठवां a-b² बस यहाँ पे माइनस लग गया, इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद हम इकाई 4A स्टार्ट करते हैं। जो अभी तक आपने सर्वसमिकाएँ लिखी हैं, वो सारी सर्वसमिकाएँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो केवल क्लास 8th में ही नहीं काम आने वाली, फिलहाल इतनी सर्वसमिकाएँ हैं, या भी अच्छा 8 में बीजगणित में इतने में से ही केवल क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और ये जो सर्वसमिकाएँ हैं, मतलब ये जो फार्मूला आप लिखे हैं अभी, ये सारे फार्मूले आगे भी कक्षाओं में आपको काम आने वाले हैं, इसलिए इसको अच्छे से नोट डाउन करिए और अच्छे से लर्न करिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से अभ्यास 4A, ठीक है, जिसमें ये वाला सूत्र, ये वाली सर्वसमिका यूज होगी, a+b³, a³+b³+3a²b+3ab², ठीक है। तो इसमें का 4A का हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित के विस्तार कीजिए, विस्तार कीजिए या तो प्रसार कीजिए, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले का कार्य हम कैसे करेंगे इस सूत्र की मदद से, होल क्यूब, ठीक। अब कैसे करेंगे इसको, देखिए a+b ब्रैकेट बंद क्यूब, ये और ये मैच कर रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, a की जगह पे यहाँ b लिखा है और b की जगह में क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है और बाकी इसी में इसको पुट कर देना है, लिख देना है। एक एक स्टेप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो आगे के चैप्टर्स में समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप दोनों लिख लीजिए, ए ए की जगह क्या लिखा है, बी लिखा है, और बी की जगह क्या लिखा है, ए लिखा, ठीक है। ए का मान बी और बी का मान ए, ठीक है, सूत्र में प्रतिस्थापित, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रखिए b+1 होल क्यूब, ठीक। अब स्टार्ट करिए, सूत्र में क्या लिखा है, a क्यूब लिखा है, लेकिन यहाँ a की जगह क्या है, b है, तो यहाँ हम a नहीं लिखेंगे, b लिखेंगे, b³ प्लस लगा लें, प्लस लगा दें, कोई दिक्कत अभी तक, बस जहाँ पे a है a की जगह हमें b लिखना है, ठीक। प्लस लगा है, प्लस लगा दिए, फिर b लिखा है ना, लेकिन सवाल में हमारे b की जगह में क्या दिया है, 1 दिया है, तो 1³, 1³, ठीक। फिर प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए, फिर लिखा है 3,
बाकी जो करते हो ही लिखना एज इट इज। थ्री लिखा है, थ्री लिखा, यहाँ पे आप देखिए कोई चिन्ह नहीं लगा है तीन के बाद, तो गुणा के चिन्ह गुणा का चिन्ह रहता है। फिर लिखा एक ही घात दो, एक ही लिखा क्या है बी है, तो हम क्या लिखेंगे बी की घात दो। ठीक, फिर यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का ही छिपा है बी लिखा है, फिर बी की जगह हमें क्या लिखना है एक लिखना है, फिर प्लस प्लस लगाती एक एक स्टेप बस बढ़िए सब बन जाएगा आपसे। फिर थ्री लिखा है, थ्री लिख दीजिए कोई चिन्ह नहीं है घोड़े को लगा दीजिए, फिर लिखा है ए, ए की जगह पर फिर क्या आ जाएगा बी, फिर घोड़े बी लिखा है, बी की वैल्यू कितनी दी है एक, एक ही लगा दी। पहला स्टेप ये समझ में आ गया होगा थी, ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, जो भी सूत्र से आप यहाँ टैली कर लीजिए, ए का मान कितना दिया है बी, बी की जगह कितना दिया है एक, हमारे सवाल में जो दिया है उसको हम पहले लिखेंगे। ठीक, सेम चीज लिखे एज इट इज, जैसा लिखा सेम वैसे ही करना है, बस ध्यान ये रखना है कि सूत्र में ए लिखा है तो सवाल में हमारे बी है ए की जगह, तो हम बी लिखेंगे, सूत्र में बी है बी की जगह हमारे सवाल में एक दिया है, तो जहाँ जहाँ बी है सूत्र में वहाँ वहाँ एक रख देंगे, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ बी रखते हैं, बस वही काम किए हैं। ठीक है, अब इसको आगे कैसे करेंगे, बी की घात तीन, इसको आप और हल नहीं कर सकते इससे ज़्यादा, ये इतना ही रहेगा। ठीक है, आगे प्लस लगा है, प्लस एक की घात तीन का मान कितना आएगा बताइए, एक आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक की घात तीन का मान तीन नहीं लिख दीजिएगा, एक को हम चाहे जितनी बार गुणा करें, एक लिख के आप चाहे जितनी बार गुणा करें, ठीक है, वैल्यू वैसे कितनी आएगी एक ही आएगी, या एक की घात चाहे हजार हो चाहे 500 हो चाहे 10 हो चाहे 20 हो, उसकी वैल्यू एक ही आएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आगे भी काम आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एक आ जाएगी। ठीक, प्लस लगा दिए, फिर इसका इसमें जितनी जितनी इसमें संख्याएं हैं, संख्या मतलब अंक मतलब अचर। ठीक है, चल अचर में अगर आपको दिक्कत है तो मैंने इसकी वीडियो बनाई है पहले भी, बेसिक बीजगणित की जो है वह बना चुकी हूँ, एक बार आप उसे देख लीजिए, जिससे आपको चल अचर में जो प्रॉब्लम होगी वो नहीं होगी। ठीक है, ये पता होना चाहिए ये क्या है अचर, तो जो जो अचर उनका आप गुणा कर लीजिए तीन एकम तीन। ठीक, फिर जो चर है चर में केवल बी ही है वो भी बी की घात दो। ठीक, प्लस लगा, अब इस पूरे में भी चेक कर लीजिए कौन कौन है, तीन है और ये एक की घात दो, एक की घात दो का मान एक आ जाएगा, तो तीन एक कम तीन और ये बी। ठीक है, ये हो गया लास्ट स्टेप, ये भी आंसर आपका है, लेकिन लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि इसको आप अवरोही घातों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर बी की घात तीन है, अब बी की घात दो वाला देखिए कौन है इसमें, ये तो नहीं है ये वाला, इसको लिख दीजिए इसके बाद। ठीक, फिर ये बी की घात एक है इसमें, ठीक, फिर बिना बी वाला, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे, तो हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, गा देख लेते हैं, गा में क्या दिया है, अब ये भी देखिए ए प्लस बी बन गए, तो यहाँ पे क्या है ए की जगह में क्या लिखा है टू एक्स लिखा है, तो ए की जगह में क्या आप लिखेंगे टू एक्स, बी की जगह में क्या है थ्री। ठीक है, इससे टैली करिए तो ए की जगह में थ्री एक्स, बी की जगह में थ्री। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करना है, सूत्र में प्रतिस्थापित करना है, तो ये जो लिखा है मैंने लिख लिया टू एक्स प्लस थ्री बराबर लगा दिए। अब देखिए सूत्र में क्या है ए की घात तीन है, तो हमें क्या करना है ए की जगह पे जो मान दिया है टू एक्स, टू एक्स की घात तीन लिख देना है, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे क्यों, क्योंकि इसमें दो चीज़ें दी हुई हैं, दो भी दिया है एक्स भी दिया है। ठीक है, इसलिए कोष्टक में बंद करके हम तीन लगाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्लस लगा है, लगा दीजिए प्लस, क्या लिखा है बी लिखा है, तो अब चेक कर लीजिए बी का मान क्या दिया है तीन दिया है, तो क्या लिख देंगे तीन, घात तीन लगी है लगा दीजिए। फिर आगे बढ़िए एक स्टेप,
प्लस लगा दीजिए, ठीक। फिर लिखा है तीन, तीन से कोई मतलब नहीं, तीन लिख दीजिए, कोई चिन्ह है नहीं, गुणा। थोड़ा सा फिर आगे बढ़िए, ए लिखा है, ए की जगह क्या दिया है, टू एक्स दिया है, टू एक्स। दो लिखा है, वहाँ दो लगा दिए, ब्रैकेट में बंद करके लगाएंगे। फिर आगे बढ़िए, बी लिखा है, कोई चिन्ह नहीं है, गुणे का चिन्ह है, बी की जगह तीन लिख देंगे, ठीक। फिर आगे बढ़िए, प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। फिर लिखा है तीन, लिख दीजिए तीन। फिर आगे बढ़िए, ए लिखा है, चिन्ह बीच में कोई नहीं है, गुणे का चिन्ह छिपा है, ठीक है। ए लिखा है, ए का मान टू एक्स है, लिख दीजिए टू एक्स। यहाँ पे कोष्ठक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ए की घात में कुछ नहीं है, ठीक है। फिर लिखा है बी की घात दो, बी के मान कितना दिया है, तीन दिया है, तीन दिया। सबसे पहला स्टेप है ये, अगर आपने सही से कर लिया तो इसके आगे अगर बेसिक आपको आपका स्ट्रांग है बीजगणित तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे भी देख लीजिए, दो एक्स की घात तीन का मतलब दो एक्स कितनी बार है, तीन बार है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, दो एक्स तीन बार लिख लेंगे, ठीक। प्लस लगा दीजिए, तीन की घात तीन का मतलब तीन कितनी बार है, तीन बार, ठीक। तो क्या करेंगे, तीन को भी तीन बार लिख लेंगे, ठीक। फिर प्लस लगा दीजिए, फिर लिखा है तीन, तीन लिखा है और ये तीन लिखा है, इसी पद में लिखा है, तीन का नौ का दो लिखा, गुणे दो एक्स दो बार है, घातों लगी है, दो एक्स को दो बार लिख दीजिए, ठीक है। प्लस फिर लिखा है तीन, फिर ये लिखा है दो, तीन दूनी छः। अब ये नहीं सोचेगा कि एक्स वाले के साथ मैंने क्यों गुणा की है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये तो अचर पद है ना, दो, तो अचर और अचर का गुणा कर दीजिए, अभी इसका भी करेंगे गुणा, लेकिन इसको इसका प्रसार करने के बाद, ठीक। तीन दूनी छः और ये एक्स भी लिखा है, तो लिख दीजिए एक्स गुणे तीन की घात दो, तीन कितनी बार है, दो बार, पूरा प्रसार कर दीजिए, जितनी जिसकी घात लगी थी उसको उतनी बार लिख दीजिए, ठीक। ये देखिए प्लस, ये प्लस, ये चार पद थे, एक दो तीन और दो चार पद, ठीक है। सजाती विजाती पद ये सारी चीज़ें हम बना चुके हैं वीडियो, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप एक बार उसको देख लीजिए अगर आपको सजाती विजाती चर अशर में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब आगे देखिए, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहला पद ये है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी अचर पद मतलब वन टू थ्री ये सारी चीज़ें जो लिखी हैं उनका पहले हम गुणा करेंगे, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, ठीक। एक्स कितनी बार है, एक दो तीन, ठीक। अब यहाँ ब्रैकेट हम नहीं लगा देंगे, क्यों, क्योंकि दो की घात तीन को तो हम हल कर लिए और एक्स को भी हल कर लिए, एक्स की घात तीन आ जाएगा, तीन बार एक्स है तो, ठीक। प्लस अब तीन तिताई नौ, नौ थे सत्ताईस, गुणा कर दीजिए, सत्ताईस आ गया, ठीक। फिर प्लस लगा दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें भी अब ये पद देखिए, इस पद में, इस टर्म में कौन कौन से अचर पद हैं, नौ दो दो, इन तीनों का गुणा कर लेंगे, नौ दूनी अठारह, अठारह दूना छत्तीस, ठीक, ये होंगे छत्तीस। चर क्या क्या है, एक्स कितनी बार एक्स है, दो बार है, तो ठीक है। फिर प्लस है, प्लस लगा दिए। अब इसमें देखिए कौन कौन अचर है, मतलब संख्याएं कौन कौन सी हैं, छः तीन तीन, इन तीनों को गुणा कर लीजिए, छः त्रि अठारह, अठारह देखकर चौवन, चौवन और एक्स केवल अकेला है, एक्स सिंपल। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पहले एक एक पद आपको देखना है, पहले इस पद को देखिए, पद हम कैसे डिनोट करते हैं, प्लस लग गया ये दूसरा पद हो गया, प्लस लग गया ये तीसरा हो गया, प्लस लग गया ये चौथा हो गया, ठीक है। अब पहले पद में देख लीजिए कौन कौन से अचर हैं, दो दो दो, तीन ठो अचर दिए हैं,
दो दूनी चार, चार दूनी आठ, अचार का अलग गुणा कर लिए। अब चर जो है उसको देख लीजिए कितनी बार चर है, एक दो तीन बार एक्स दिए हैं, तो एक सीधा तीन है, पहला पद सॉल्व हो खत्म, प्लस लगा है प्लस लगा है। दूसरे पद में देखिए केवल संख्या ही दी है, मतलब केवल अचर दिया है, तो सीधे तीन को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, सत्ताईस आ गया, ये भी खत्म, प्लस लगा प्लस लगा दिया। इसमें भी देख लीजिए कौन कौन से अचर है, नौ बुढ़े दो बुढ़े दो, नौ दूनी अठारह दूना छत्तीस, छत्तीस आ गया। एक्स कितनी बार है, दो बार है, तो एक्स की घात दो आ गई, ये भी खत्म, प्लस लगा प्लस लगा दिए। इसमें भी अचर कौन कौन है, छः है तीन है तीन, तीनों को कूड़ा कर लीजिए, क्षेत्र का अठारह अठारह तिपका चौवन, चौवन आ गया, एक्स एक बार है तो ठीक है। इसको भी अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए, सबसे ज़्यादा एक्स की घात तीन इसमें है, ये हो गया। इसके बाद इससे कम किसमें है, इसमें घात दो है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये है, ये लिख दीजिए, फिर उसके बाद ये, ठीक है। तो ये हो गया पहले का गण, ठीक है। तो इसमें के दो क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक। एक और कहिए हम बता देते हैं, बाकी आप अपने से कोशिश कर लीजिएगा। खा नंबर भी पहले का ही, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको बता भी दे रही हूँ। ये है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई कोष्टक बन घात तीन, ठीक है। तो इसमें भी फॉर्मूला यही लगने वाला है, देख लेते हैं। ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और बी की जगह में क्या है, वाई, ठीक है। अब सॉल्व वैसे ही करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर थ्री, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के लिए वैसे ही ए की घात तीन लिखा है, तो ए की जगह क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर की घात तीन हो जाएगा, धन लगा है धन लगा दीजिए। बी की घात तीन, बी की जगह क्या है, वाई, ठीक है, प्लस प्लस लगा था, फिर थ्री लिखा है, थ्री कोई चिन्ह नहीं, गुणा ए आ गया, ए की जगह में एक्स स्क्वायर, ठीक, ए की जगह में एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ए की घात दो भी लिखा है, ये तो पूरा पूरा लिख दिए की जगह घात दो भी लगा है, तो ऐसे हो जाए, ठीक है। गुणे बी लिखा है, बी की जगह क्या है, वाई है, फिर प्लस, फिर थ्री लिखा है, थ्री गुणे ए है, ए की जगह में क्या है, एक्स स्क्वायर है, गुणे बी लिखा है, बी स्क्वायर है, बी की जगह में वाई है, तो वाई, ठीक है। फिर इसके बाद एक्स की घात दो तीन बार, या तो इसको आप तीन बार लिख लीजिए, या आप क्लास सेवन में पढ़े थे घात के ऊपर घात होती है तो उसका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, दो दिया छः, आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे अभी मैं ग नंबर बताए, तीन बार लिखिए पहले उसके बाद करिए, तो ये इजी पड़ेगा, घाट के घाट में गुणा हो जाता है, कच्चे साथ में आप पढ़ेंगे, ठीक है। प्लस लगा प्लस वाई की घात तीन, प्लस यहाँ पे देख लीजिए तीन लिखा है और कोई संख्या नहीं, कोई अचर नहीं है, इसलिए तीन केवल लिख दिए, ठीक है। अब एक्स की घात दो की घात है, तो इसमें भी घात के ऊपर घात है, गुणा हो जाएगा घात के घात में, तो दो दूनी चार, एक्स की घात चार वाई, वाई का लिख दिए प्लस थ्री। अब यहाँ पे भी थ्री केवल है, अचर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दीजिए, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, या इसको भी अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि x और y इकट्ठा नहीं कर देंगे कि x की घात चार और ये y इसी में जुड़ गया तो x की घात पाँच हो गया, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, x अलग है y अलग है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे व्यवस्थित करेंगे, x की घात छः सबसे ज़्यादा, फिर x की घात चार है वो लिख लीजिए, प्लस फिर x की घात दो, था इसी, बस यहाँ पे जो ये x की घात दो दिया था इसमें से मैं ये क्वेश्चन आपको बताई, ठीक है। तो ये हो गया पहले का घात। अब इसमें क्वेश्चन छः, पहले वाले में छः क्वेश्चन दिए हैं विस्तार करने के लिए, ठीक है। तो इसमें मैं आपको तीन क्वेश्चन बता चुकी हूँ, तीन क्वेश्चन बचे हैं, उसको आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। जो नहीं बनेंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगी। अब जो दूसरा है उसमें भी हमें क्या करना है, प्रसार ही करना है।
ठीक, लेकिन वो आज मैं इस क्लास में नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा पहले वाले में और दूसरे वाले में। तो पहला जब आप कर लेंगे उसके बाद मैं दूसरा तीसरा नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, एक बार स्टेप वाइज अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये बेसिक था। मतलब अगर स्टार्टिंग में ये आपको समझ में आ गया तो आगे जो चैप्टर्स में आने वाले हैं इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बस वहाँ पे जो ये सरसमी का प्रयोग हुई है वो बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, बाकी कैसे रखना है, विस्तार कैसे करना है, कैसे गुणा करना है, ये सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, थैंक यू।